हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हमारे पास दो लेवलियर माइक्रोफोन है। एक है बोया का M1 माइक, जिसे आप वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं, इसी बोया के M1 माइक से आप सुन रहे हैं। दूसरा जो है ये है, अब आप देख सकते हैं, सुपर लाव इसका मॉडल नंबर है और ये बनाया गया है मूविंग माइक कंपनी के तरफ से। ये भी काफ़ी पॉपुलर मूविंग माइक कंपनी है माइक्रोफोन के क्षेत्र में, और इन्होंने मुझे भेजा है इसे रिव्यू करने के लिए और कहा है, दावा किया है कि ये जो है माइक इनका सुपर लव, वो बोया M1 माइक का किलर है। तो चलिए गाइस, पहले करते हैं इन दोनों की अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि किसमें क्या खास है, कौन बेहतर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम बोया के अंदर तो आप जानते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो ये चीज़ें मिलती हैं बोया के साथ, ये सभी आप जानते हैं। अब इसके अंदर क्या मिलती है, सबसे बड़ा बात ये है। पैकिंग की बात करें तो पैकिंग तो चलिए पैकिंग मस्त है, पैकिंग में कोई कमी नहीं की है कंपनी ने, प्रीमियम लुकिंग है पैकिंग। और चलिए अंदर देखते हैं, फीचर्स स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है, तो करते हैं अनबॉक्स इसे हम और देखते हैं क्या क्या ये हमें देता है। सबसे पहले तो ये वही चीज़ मिलता है जो इसके अंदर है, बोया वाले के अंदर है, एक बैटरी, एक बड़ा वाला मैनुअल। मैनुअल भाइयों ने काफ़ी इसका मोटा रखा है और काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू बोया, जबकि बोया में बस सिंपल सी छोटी सी मैनुअल है। तो उसके बाद सेम इसी तरीके से इसमें भी एक थैला आता है जिस पर लिखा हुआ है मूविंग माइक, और इस पर लिखा हुआ था बोया। अंदर सेम आपको वही चीज़ मिलता है अगेन जो उसमें आपको मिला था मूविंग माइक का, आप देख सकते हैं ये सारे डिटेल्स हैं। वायर का लेंथ जो है बोया वाले वायर के लेंथ के बिल्कुल ही बराबर है, जितना बोया में आपको मिलता है वायर का लेंथ, उतना ही वायर का लेंथ बिल्कुल इसमें मिलता है। दोनों के अंदर सेम चीज़ें हैं बिल्कुल, दोनों के अंदर ड्यूअल मोड है आपको दिखा रहे हैं, यह है बोया वाला, यह है मूविंग माइक वाला, और इसमें भी दिया हुआ है स्मार्टफोन मोड पे स्विच करने के लिए, और फिर कैमरा मोड पे दिया हुआ स्विच करने के लिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कैमरा मोड और जो है स्मार्टफोन मोड पे दिया हुआ स्विच करने के लिए। और ये जो है विंड फिल्टर, इसमें जो है वो बड़ा दिया हुआ है एज़ कम्पेयर टू बोया, बोया में विंड फिल्टर थोड़ा छोटा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो गाइज, अभी हमने बोया के इस लेवलर माइक M1 को कनेक्ट कर दिया है और आप ये जो आज सुन रहे हैं बोया के माइक से सुन रहे हैं। हेलो, 1 2 3 1 2 3 रेडी। सो गाइज, अभी जो आप आवाज़ की क्वालिटी सुन रहे हैं वो है मूविंग माइक के सुपर लैब माइक्रोफोन का। तो ये है इसकी ऑडियो क्वालिटी, आप सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि नॉइज़ रिडक्शन, जो एक्सटर्नल नॉइज़ रिडक्शन है वो कितना है एज़ कम्पेयर टू बोया, क्लियरिटी कितनी है आप वो भी सोच सकते हैं। वायर का लेंथ हम आपको बता देते हैं, वायर का जो लेंथ है वो 6 मीटर से भी है, बोया में भी आपको 6 मीटर मिलता है। सारे स्पेसिफिकेशंस अगर कंपेयर किया जाए बोया वाले से तो बिल्कुल सेम टू सेम है। प्राइसिंग जो है बोया ने भी इसकी रखी है लगभग 840-850 रुपये के आसपास, इसकी भी 840-850 रुपये ही है, और आई डोंट थिंक कि ये भी कोई ख़राब माइक है, दोनों की सेम स्पेसिफिकेशन है बिल्कुल। अगर शॉर्टेज पड़ता है बोया का तो आप इसे परचेस कर सकते, कोई घबराने वाली बात नहीं, अभी एक अच्छा माइक फोन है और आवाज़ की क्वालिटी तो आप महसूस कर ही रहे हैं।